फिर आज हम लोग आ चुके हैं राजस्थान के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, तो फिर आज हम लोग आ चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े संडाई के अंदर। तो फिर आज हम लोग आ चुके हैं जंतर मंतर के अंदर और यहाँ पर करेंगे खूब सारे मजा। तो फिर आज जगह व्लॉग शूट करते हैं और तो उसे मजे भी करते हैं। तो बड़े एक्साइटेड हूँ। डिंका चिका ओए। ये जो जंतर मंतर है, ये दुनिया का सबसे बड़ी एक क्लॉक मानी जाती है। सनडायल एक ऐसी चीज होती है, जो एक ऐसी क्लॉक होती है जो ऐसे सन की पावर से चलती है, सन की रेस से चलती है। तो फिर आ जाओ, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं और मजे करते हैं। आ जाओ। तो गाइस, यूनेस्को ने जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया है। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हर चीज सन की पावर से ही चलती है, तो फिर ये एक क्लॉक है और ये बताती है कि अभी कितने बज रहे। तो फिर अभी बज रहे हैं 11। गाइस, अब ये जो रॉड है, ये जिस भी नंबर पे पॉइंट करती है उतने ही बज रहे होते हैं। और गाइस, अभी 11 बज रहे हैं। तो गाइस, आज लोगों ने आसमान में तो खूब सारे तारे देखे होंगे और टेलीस्कोप से, लेकिन ये है पुराने जमाने का एक टेलीस्कोप। तो फिर इससे हम एक ध्रुव तारा देख सकते हैं, कुछ इस तरह से। देखो, इसमें से ऐसे सीधे एकदम देखोगे तो फिर आपको ऐसे ध्रुव तारा दिखता है। और गाइस, वहां पर एक ध्रुव तारा भी होगा। सबसे बड़ी सनडायल, और ये सनडायल 6 बजे से लेकर 12 बजे तक इसे टाइम दिखाती है। गाइस, अभी यहाँ पर बज रहे हैं 12, और जितना जितना शैडो जाती रहेगी उतना उतना टाइम होता जाएगा। जैसे जो शैडो जिस नंबर पे होगी उतना बज रहा होगा। जैसे 11 पे शैडो होगी तो 11 बज रहा होगा, और अगर 12 पे वो अगर 12 पे शैडो होगी तो 12 बज रहा होगा। मेरा ये जंतर मंतर का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग जयपुर आए तो फिर यहाँ जंतर मंतर में जरूर घूमने जाएं, क्योंकि ये बड़ी ही अच्छी जगह है, इंटरेस्टिंग भी जगह है। और तब तक के लिए डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।